दोस्तों, हमास गाजा का इतना बुरा हाल हो गया है। गाजा पर इजराइल का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3, तस्वीर नंबर 4, तस्वीर नंबर 5, तस्वीर नंबर 6, तस्वीर नंबर 7, तस्वीर नंबर 8, तस्वीर नंबर 9 और तस्वीर नंबर 10। ऐसे ही हजारों तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। डेथ, डर, मौत और महातम की चीख याद दिलाने वाली दास्तान। कौन जिम्मेदार है इन मामलों की? मासूमों की मौत का हमास, हिजबुल्ला, ईरान, सीरिया, मिस्र, तुर्की, इजराइल, अमेरिका या कोई नहीं, या फिर सारी? आखिर कौन जवाब देगा? इस बीच गाजा पट्टी में मौत का नंगा नाचना हो रहा है। हमास का दुश्मन इजराइल एक एक इंच गाजा पट्टी को जला देने पर तुला है। इस काम में अमेरिका चट्टान बनके उसके साथ खड़ा है। बाइडन से बोले नेतन्याहू, रात में भी हमला करेंगे, दिन में भी हमला करेंगे। उदाहरण के तौर पर बाइडन का एक सच जरूर जानना चाहिए। आखिर क्या मिला इजराइल को अमेरिका से, जिससे पूरा गाजा पट्टी तहस नहस हो गया? बाइडन के बम से गाजा पट्टी में रक्तचाप, अमेरिका की शक्ति इजराइल की गाजा पट्टी पर तबाही। इजराइल के द्वारा फेंका गया बम पर अमेरिका का नाम स्मार्ट बम ने गाजा पट्टी को मटियामेंट, मतलब मिट्टी में मिला दिया है। गाजा की तबाही के लिए हथियार बेंजामिन नेतन्याहू को बाइडन से प्राप्त हुए हैं। अमेरिका अगर युद्ध की जमीन पर कूद जाए तो हैरान करने वाली कोई बात नहीं होगी कि इसराइल की जीत होगी। इसराइल हमास के खिलाफ हुई बात सुनिए बाइडन के द्वारा। यह तो साफ है कि अरबी देश खुद को जितना भी एक दिखा ले, परंतु इसराइल को पाएंगी जब तक उसके साथ अमेरिका खड़ा है। अमेरिका से हथियार की सप्लाई जारी है। अमेरिका का दिया खास बम ने गाजा की गलियों को कोहरा बना मचा दिया है। हमास के अंतिम आतंकी के जिंदा रहने तक अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। एयरक्राफ्ट कैरियर JNR-4 के साथ, एयरक्राफ्ट कैरियर आइजेनहावर के साथ, अब आई के अनुसार अमेरिका इसराइल के खिलाफ स्मार्ट बम का भी इस्तेमाल करने वाला है। दोस्तों, आखिरी आपको पता हो नहीं होगा कि यह स्मार्ट बम क्या होते हैं और इसे हमास को किस तरह का नुकसान पहुंचाया जाएगा। अमेरिका इसराइल को अब तक कितने स्मार्ट बम की सप्लाई कर चुका है? बाइडन के स्मार्ट बम से गाजा में अभी तक कितने मरे? क्या यह सच है कि इसराइल के पास अमेरिका वाले स्मार्ट बम है भी है या नहीं? इन सवालों के जवाब से आपको पता चल जाएगा कि इजराइल मानेगा नहीं और अमेरिका छोड़ेगा नहीं। ईरान की किसी भी वक्त जंग में एंट्री हो सकती है और अमेरिका पहले से ही जंग में कूदने को तैयार है। गाजा को तबाह करने के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है। अमेरिका अगर ईरान कूदा तो उस दिनों में नहीं बल्कि महीने भर भी परमाणु बम का अंजाम भुगतना पड़ेगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार 7 अक्टूबर को अमेरिका कंपनी बोइंग बनाती है स्मार्ट बम। हमास से जंग छिड़ने के बाद अमेरिकी कंपनी बोइंग ने 1000 बम इसराइल को डिलीवर किए, पर इन्हें उसने छोटे पैमाने पर दिए। स्पाइस बम भी स्मार्ट बम की तरह ही है। स्पाइस बम इसराइल की रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड 2000 मिराज बम को गिराने पर 2000 पौंड मिराज का इस्तेमाल करा जाता है। आपको आगे दिखाएंगे कि स्मार्ट बम कैसे कार्य करता है, लेकिन अभी आई पश्चिमी मीडिया के तरफ से रिपोर्ट जानते हैं। स्मार्ट बम नहीं बल्कि पुराने बम से इजराइल गाजा को जला रहा है। यूरेनियम बम से इजराइल, यूरेनियन टाइम्स की एक रिपोर्ट से यह बताया गया है कि
गाजा में पुराने बम से हमला किया है। इनका टारगेट सेट नहीं होता, जिसके कारण यह कहीं पर भी फटे पड़ जाते हैं। 1950 में कोरिया युद्ध में इस्तेमाल हुए M117 में इस्तेमाल हुए थे। हथियारों पर मचा हाहाकार तो हुआ, तो मैंने इंटरनेट पर हथियारों की जांच करी तो सूत्रों से पता चला कि ऐसे ही बम अमेरिका ब्रिटेन का भी को भी सप्लाई कर चुका है। स्मार्ट बम के इस्तेमाल की कहानी आपको आगे दिखाएंगे। इस बम को समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि इस बम ने ऐसी तबाही मचाई है कि इसके कल्पना भी नहीं करी जा सकती। कुछ नहीं बचा, गाजा पट्टी में जिंदगी मौत बन गई। स्मार्ट बम का को गाइडेड बम के नाम से भी जाना जाता है। यह सटीक पैमाने पर सटीक निशाने वाला गाइडेड न्यूरिया से प्रिंसिपेज होता है। इस बम को सटीकता से दुश्मन पर कब्जा करने के लिए डिजाइन किया गया है। हवा से जमीन पर गिरने वाले बम शामिल होते हैं। इसका लक्ष्य सटीकता के साथ नष्ट करना होता है, जिससे उसके आसपास के इलाकों को कम से कम नुकसान पहुंचे, दुश्मन की सेना को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो। इजराइल को इसी बम की ज़रूरत थी। इसका कहना है कि उसे आम फिलिस्तीनी से लेना देना नहीं है। ऐसे में इसराइल को चुन चुनकर हमास के आतंकियों को मारना है, और उसे उस बात का भी ख्याल रखना है कि वह किसी आम व्यक्ति की जान ना जाए। इसराइल के लिए यह दोनों चीज मायने करती है। अमेरिका के पास हथियार है और इसराइल भी वर्षों से जुटा रखे हैं। अगर अरब के देश मैदान में कूद गए तो क्या होगा? दोस्तों, यह आगे ही पता चलेगा कि और कौन कौन से देश हैं जो कि इसराइल का साथ देंगे और कौन से मुंह कर जाएंगे इसराइल का साथ देने में।